शेरलॉक होम्स का हिंदी वर्जन यानी कि शेखर होम रिलीज हो चुकी है जियो सिनेमा पर, स्टारिंग केके मेनन, रणवीर शौर्य और रसिका दुग्गल मेन। ये 4 घंटे और 30 मिनट के आसपास की वेब सीरीज कैसी है, इसने कैसा काम किया है, कहानी क्या क्या है, इस सब की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पंद्रह अगस्त है और अब आगे हॉलीडे टाइम्स है, तो टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आपको क्राइम, थ्रिलर, थोड़ी बहुत कॉमेडी, हॉरर, ये सब पसंद है तो आप इस वेब सीरीज के साथ जा सकते हैं। ये आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देखने मिलेगी, बाकी टेलीग्राम वगैरह है, आप देख सकते हैं वहाँ। बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ऐसा है कि भाई एक्टिंग की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिंग में मेनली केके मेनन है, रसिका दुग्गल है, रणवीर शौर्य है, तो आप एक्टिंग में तो बोल ही सकते हैं कि बस खत्म। तो एक्टिंग के लिए स्टार मिलना जरूरी है इस वेब सीरीज को मेनली। बाकी बात करेंगे हर एक एपिसोड की, तो एपिसोड थोड़े स्लो है, कहानी 1990 से 1996 के आसपास में बेस दिखाई गई है, हिंदी क्राइम थ्रिलर जो इंस्पायर है बाय शेरलॉक होम्स बाय कोनन डॉयल। तो 1990 या इसके आसपास की कहानियां हैं, तो सिंपल वे में बताया गया है, कोई बहुत बड़ा तामझाम किया नहीं गया है, सेट बहुत ही परफेक्ट बनाया गया है मेरे हिसाब से, और अगर आप थोड़े बहुत मर्डर मिस्ट्री को लेके क्यूरियस है तो ये वेब सीरीज आप पूरे परिवार को लेके देख सकते हैं, पूरे दोस्तों के लेके देख सकते हैं, दोस्तों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इस पर बात करने की, चर्चा करने की एक अलग ही मज़ा होगा, खास करके 13 वर्ष के आयु वाले लोग से लेके 20-25 तक को ये बहुत अच्छी वेब सीरीज लगेगी, और अगर हम माने तो 40 से ऊपर वाले को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो 20 से लेके 30 तक या 34-35 तक के हैं वो तो ये ऐसा सब कुछ कहीं ना कहीं देख चुके होंगे, शायद दूरदर्शन में जो आती थी हमारी मर्डर मिस्ट्री वाली CID टाइप, तो ये उसी दर्जे की एक वेब सीरीज बोलूँगा मैं। बाकी सबसे पॉजिटिव बात एक है कि कहानी का हर एक एपिसोड अंत हो जाता है, तो आप कहानी कहीं भी शुरू करते हैं और कहीं पे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है एक एपिसोड खत्म करके आप छोड़ सकते हैं कहानी और या मतलब पूरी स्टोरी, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ बिंज वॉच करना है, जो मेरी तरह है जिसको पूरा एक कहानी, एक वेब सीरीज स्टार्ट किया है तो पूरा खत्म करके ही छोड़ना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो आपके लिए ये मस्ट वॉच है, आपके लिए ये ऐसी सीरीज है कि आप एक एपिसोड देख के छोड़ सकते हैं ये स्टोरी, और फिर अगले दिन, अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ये स्टोरी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी लाइन धीरे 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 बिल्डअप करती है, थर्ड एपिसोड तक बिल्डअप हो जाती है और फिफ्थ या सिक्स्थ एपिसोड में ख़त्म हो जाती है। सिक्स्थ एपिसोड का क्लाइमैक्स जो अंदाजन 30 से 20 मिनट का है वो आपको गूज़बम्प्स दे जाएगा, उसमें जो एक्टरों ने एक्टिंग की है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगर आप मर्डर मिस्ट्री इतनी बहुत देख लिया है आपने तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रिमिनल है, क्या है क्या नहीं है, मगर फिर भी एक BGM ऐसा लगाया गया है इस पूरी वेब सीरीज में कि आपको जोड़ के रखेगी और आपको हर एक कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट लगेगा, जैसे कि शेरलॉक होम्स में होता ही है। तो बस यही थी मेरे हिसाब से शेरलॉक होम्स जो वेब सीरीज आई है इसकी बातें, इसका रिव्यू। तो आपके पास भी टाइम है, 15 अगस्त है, आप फ्री बैठे हैं तो जियो सिनेमा पर ये वेब सीरीज देख सकते हैं, अकेले भी देख सकते हैं, परिवार के साथ भी देख सकते हैं, बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, 13 वर्ष से ऊपर के सबको ही देख सकते हैं, ये रिकमेंडेड है इस वेब सीरीज में ही। बाकी मिलते हैं चलते चलते, करते हैं और नई वेब सीरीज़ों के रिव्यू। अगर आपकी कोई पर्सनल वेब सीरीज ऐसी है कि जो आप देखना चाहते हैं या उसका रिव्यू जानना चाहते हैं, आपको उसके लिए 5 घंटे 6 घंटे नहीं बिगाड़ने हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वैसे भी देखता रहता हूँ तो देख के रिव्यू कर दूँगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।